बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी में एसपी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। आरोपी सोहेल, आपको बता दें कि एसपी के द्वारा की गई प्रेस वार्ता, मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को लगी गोली। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी जुनैद हुआ घायल। अपहरण नहीं बल्कि स्वेच्छा से आई थी दोनों की चोरियां। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी जुनैद हुआ है घायल, जहां पर उसको गोली लगी। आपको बता दें कि अपहरण नहीं बल्कि स्वेच्छा से आई थी दोनों बहनें, ऐसा कहा गया है। स्वेच्छा से गाड़ी में बैठकर आई थी दोनों किशोरियां। लखीमपुर खीरी से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसपी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। एसपी के द्वारा की गई प्रेस वार्ता, जहां पर दो सगी बहनों के शव मिलने के मामले पर यह प्रेस वार्ता की गई है। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी के द्वारा दी गई जानकारी, जहां पर उन्होंने कहा कि आरोपियों ने दुष्कर्म की बात को कबूला है। आरोपी लखीमपुर मामले पर छह आरोपियों की गई गिरफ्तारी, और जहां पर आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म की बात भी कबूल ली गई है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर परिजनों में और ग्रामीणों में रोष था, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, हंगामा किया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उनको समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता आमिर रजा। आमिर, ये जो लखीमपुर से मामला घटना सामने आ रही है, जहां पर दो सगी बहनों के साथ उनका अगवा कर, उनके साथ दुष्कर्म कर, उनकी हत्या कर, उनके शव को पेड़ से लटका दिया जाता है, जिसको लेकर अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी, आपको बता दें कि अभी एसपी खीरी ने प्रेस वार्ता करके ये बताया है कि जो इसमें आरोपी है उनको चारों को, छह लोगों को, उस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह बताया है कि जो घटना है ये अपहरण की घटना नहीं है, ये स्वेच्छा से इनका उनसे प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसमें छोटू नाम का जो व्यक्ति था, जो युवक था, उसने इन लड़कियों को बुलाया था। इनके बुलावे पर ये लड़कियां आई थी और इनकी गाड़ी पर बैठकर ये लोग जब वहां गए थे, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इसके बाद जब इन्होंने, लड़कियों ने इस बात की बात कही कि इनकी इनसे शादी की जाए, जिससे जब उसने इनकार कर दिया, तो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। जी, अगर इस तरीके की बात की जाए तो पुलिस के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जहां पर अब छह आरोपी गिरफ्तार कर ली गई और उनके द्वारा भी दुष्कर्म करने की बात कबूल ली गई है। अब जी, इसमें तीन आरोपियों ने, दो आरोपियों ने कबूल किया है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम देने से पहले इस किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद जब इन्होंने शादी का दबाव बनाया, तब इन लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इसमें दो लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को, हत्या की घटना को आत्महत्या में तब्दील करने की, यानी घटना को छिपाने के प्रयास में बाकायदा उन्होंने इन शवों को उस पेड़ पर लटकाया था, ताकि ऐसा प्रतीक हो कि ये आत्महत्या है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की अगर कहानी पर बात की जाए, तो पुलिस लगातार ये कह रही है कि इस मामले में 24 घंटे से पहले उसका अनावरण करके अपनी पीठ ठोकने की बात कर रही है। लेकिन जो परिजनों की तहरीर है, उससे पुलिस इनकार कर रही है, क्योंकि परिजनों का ये कहना है, जो तहरीर है जिस पर FIR दर्ज की गई थी, उनका ये कहना है कि उन्होंने, ये लोग आए थे उनके घर में, उनकी दोनों बच्चियों का अपहरण किया था। अपहरण करने के बाद बाकायदा इस दौरान उनके परिजनों से और अपहरणकर्ताओं से मारपीट हुई थी, झीट झपट हुई थी। उसके बाद ये लोग ले जाकर उसकी हत्या किया, उसके साथ दुष्कर्म किया, सामूहिक गैंगरेप उनके साथ किया, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। जी आमिर, जो मामला सामने आ रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरीके का मामला कोई पहली बार सामने नहीं आया, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है, कहीं ना कहीं पुलिस का, प्रशासन का खौफ नहीं नजर आता, क्योंकि इस तरीके की घटना को कहीं ना कहीं अंजाम दिया जा रहा है, तो पुलिस का खौफ नहीं है इन दबंगों में। जाहिर सी बात है, जिस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उससे पुलिस का खौफ कहीं दूर दूर तक नहीं, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जिस गांव की घटना है, वहां पर कच्ची शराब का कारोबार होता है, और कच्ची शराब में जो संलिप्त लोग हैं, वो ये लोग भी उसमें हैं, और इनका पुलिस से काफी अच्छा तालमेल रहता है, पुलिस के संरक्षण में ये लोग कच्ची शराब का कारोबार करते हैं। खास करके निघासन थाने की बात करें तो निघासन थाना वैसे भी
कई मामलों में चर्चा रहा है जो मौजूदा वक्त में यहाँ पर SHO हैं उनके कई घर कई उनके अभद्रता के उनके वीडियो आडियो इसके अलावा कई अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप उन पर लगातार बने रहते हैं कि अगर क्योंकि जिस तरीके से अगर वादी की बात करें जो पीड़िता है पीड़ित पक्ष है उसकी अगर बात करें तो पीड़ित पक्ष लगातार ये कह रहा है कि घटना का अंजाम बाकायदा अपहरण करके दिया। पुलिस की अगर कहानी पर माने तो पुलिस जैसे SP खीरी ने अभी बताया कि इस घटना में अपहरण जैसी चीज नहीं इनके उनसे प्रेम प्रसंग थे क्योंकि पुलिस आमूमन इस तरीके की घटना की इस तरीके की स्क्रिप्ट को तैयार करती है लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस मामले की उच्चस्तरीय जांच हो या जिस तरीके से वो लोग परिजन उनके बात कर रहे हैं उस पर अगर कोई अमल आता है तो आगे आने वाले कल में और भी बहुत सी चीजें निकल के आएंगी क्योंकि किसी को दिन दहाड़े अगुआ करके ले जाके किशोरियों के साथ बलात्कार की जाहिर सी बात है अगर उनका उनसे प्रेम प्रसंग था तो फिर इतनी जल्दी शादी की बात करना उसी वक्त जब शारीरिक संबंध बनाया गया उसके बाद तत्काल शादी की बात करना उसके बाद इतना उत्साहित हो जाना इतना गुस्से में नाराज हो जाना कि उन दोनों किशोरियों की हत्या किए जाना तो कहीं ना कहीं पुलिस की कहानी पर जरूर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पुलिस तो अपनी बात कहेगी लेकिन पीड़िता अपनी बात कर रहे हैं। जी तो हम इस खबर पर बने रहेंगे आमिर। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने इस खबर पर क्या कहा है आइए सुनते हैं। ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी उनको फुसलाया गया था बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहां पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए मोटिव उसके बाद जी ने जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 सोहेल और जुनैद इन लोगों की बात अभी तक हुई है बाकी PM में आएगा जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं डिटेल में जो भी आएगा। देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं इसमें चीज़ें नहीं सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। तो आपको बता दें कि अब इस खबर पर पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जहां पर 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया जिनमें से 2 आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म करने की बात कबूल ली गई है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा कहा गया है कि प्राथमिक परीक्षण में जहां पर ये बात निकलकर सामने आ रही है जहां पर 2 आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म की बात कबूल ली गई है। तो आपको बता दें कि इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर रजा जुड़े हुए हैं। आमिर ये जो मामला सामने आ रहा है जहां पर पुलिस के द्वारा भी कई बार अभद्रता का मामला देखने को अभी मिला है जहां पर लोग परिवार वालों के द्वारा इस परिवार इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था जहां पर पुलिस के द्वारा उनसे भी अभद्रता की गई और इसके साथ ही अब एक पत्रकार के साथ भी अभद्रता करने का मामला सामने आया है। जिस तरीके से कल घटनाक्रम के बाद लोग आक्रोशित थे उसके बाद जिस तरीके का बर्ताव किया गया पब्लिक के साथ में SP खुली खुद मौके पर मौजूद थे उनके द्वारा इस तरीके का बर्ताव किया गया। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने उनसे बात की कि इस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा था और उन्होंने इस बात का खंडन किया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जब जिस आदमी से इनकी अभद्रता हुई थी इनसे नोकझोंक हुई थी वो गाँव का वही आसपास के किसी गाँव का प्रधान है उसको पुलिस अभी तक हिरासत में लिए हुए है। इसके अलावा एक पत्रकार के साथ में बाकायदा उसका वीडियो जिसको पुलिस अपराधी की तरह खींच कर ले जा रही है किनारे हटा रही है तो कहीं ना कहीं ये वीडियो पुलिस जिस तरीके से खंडन कर रही है उसके ऊपर एक उसको एक आईना दिखाने का काम कर रही है तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का कल का अपना रवैया था पुलिस का जिस तरीके से बर्ताव था तो कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्यशैली जरूर सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े अपहरण के बाद हत्या का आरोप है उसमें पुलिस की बौखलाहट भी अमूमन साफ देखी जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस मामले को दूसरा मोड़ प्रेम प्रसंग दिखाकर दूसरा मोड़ देने की कोशिश कर रही है। जी आमिर ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और आपको बता दें कि इस मामले पर ये लखीमपुर से जो घटना सामने आ रही है जहाँ पर 2 सगी बहनों की हत्या कर उनके साथ दुष्कर्म कर उनकी शव को पेड़ से लटका दिया गया।